पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है। दोनों वृत्त सिराओं का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, जो गिलास है वो कैसा है, शंकु के छिनक के आकार के जैसा है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये गिलास है और ये गिलास शंकु के छिनक का आकार का है। इसमें क्या है, दो वृत्त सिराएं हैं। देखिए, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, और एक का व्यास दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला कितना दिया है, 4, और यहाँ पे देखिए है 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, व्यास है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये दिया है। और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है, यहाँ देखिए ये होता है ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया है, यानी h बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दिया है। तो निकालना क्या है, गिलास के धारिता निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो बड़ा है वृत्त, उसका जो व्यास है उसको हम लोग मान लेंगे d1, बड़े वृत्त का जो व्यास है उसको क्या मान लेंगे, d1, यानी इसको लिख लेंगे हम लोग d1। तो d1 बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और इसको मान लेंगे d2, छोटा जो वृत्त का व्यास है उसको मान लेंगे d2। तो d2 बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे जो जो दिया है, देखिए दिया है क्या है, h। तो h बराबर 14 सेंटीमीटर। d1 कितना है, d1 बराबर 4 सेंटीमीटर। आर कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए d1 है तो फिर यहाँ पे r1 लिखेगा, r1 लिख लेंगे और इसका आधा कीजिए। यहाँ पे देखिए ये 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ये हो गया r1। वैसे देखिए यहाँ पे दिया है d2, तो यहाँ लिखेंगे d2 कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, r2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा कीजिए तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आर बराबर फॉर्मूला होता है d/2, ये फॉर्मूला से हम निकाले हैं। यहाँ पे देखिए इसके जगह पर रखेंगे हम 4, देखिए r1 निकालेगा तो इसके जगह पर कितना रखेंगे, 4, और यहाँ 2 है तो कटेगा, तो r1 इसका टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना, 2 सेंटीमीटर। तो यही है r1 2 सेंटीमीटर। तो आप याद रखिएगा, अगर d दिया है तो उसका आधा कर दीजिए तो r1 निकल जाएगा। अब देखिए निकालना कहाँ है, गिलास की धारिता, छिन्नक के आकार वाले गिलास की धारिता मतलब होता है आयतन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये होता है छिनक का आयतन। तो अब इसमें रख लेंगे मान, देखिए 1/3 पाई के जगह पर रखना है 22/7। अब यहाँ देखिए एच कितना है, एच, तो एच देखिए यहाँ पे है एच 14 सेंटीमीटर, तो एच यहाँ रख लेंगे 14। अब यहाँ पे देखिए r1 कितना है, r1 है 2, यहाँ पे लेंगे 2, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस r2 कितना है, r2 है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस r1 है 2 और r2 है 1, तो यहाँ पे सब मान भर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये 7 से कटेगा, 7 × 14, अब ये दोनों को गुना करा देंगे, ऊपर से हो जाएगा 22 × 2 और 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर गुना करा देंगे तो हो जाएगा 44/3, ये सब के जोड़ देंगे पूरे तो कितना मिलेगा, 7। ये दोनों के गुना करा देंगे आपस में, देखिए 44 × 7 कराएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 308 और 3, इसको जब आप काटिएगा तो आपको मिल जाएगा 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। कहे लिखेंगे, कहे कि आयतन हम लोग निकाले हैं। ये हो गया आपका आंसर।